दोस्तों सर, जब हम थंबनेल बनाते हैं, YouTube कस्टम थंबनेल बनाते हैं या अपना इमेज को जब वो PNG में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको हम यदि कोई और सॉफ्टवेयर से यदि उसको कटिंग करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कट नहीं होता। और ये प्रोसेस यदि हम अपने मोबाइल फ़ोन में करने की कोशिश करें तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने इमेज को कैसे PNG में कन्वर्ट करेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये सारी प्रोसेस सीखने वाले हैं वीडियो पे सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो मैं बताऊंगा, इसमें आप कोई सा भी अपने इमेज को कटिंग कर सकते हैं, अपने थंबनेल या किसी अन्य प्रोजेक्ट में आप अपने इमेज को यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी, आप देख रहे हैं कैसे सीखूँ, आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और किस तरह से इमेज को कैसे PNG में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो बनेगी, तो चलिए देख लेते हैं। और प्लीज़ चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह के कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए हम सीख लेते हैं। तो हम अपने जो है मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को, आपको बाद में बताया जाएगा वीडियो के अंदर कहीं भी, मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन से कैसे बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है, तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो वो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद उसमें जो है हम इमेज डालेंगे और कुछ ही क्षणों में जो है वो ऑटोमेटिक जो है हमको PNG में कन्वर्ट करके कोई सा भी इमेज को वो प्रॉपर तरीके से दे देंगे। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसको देखिए कैसे यूज़ करना है। तो ये एप्लीकेशन रजिस्टर ओपन हो रहा है, तो इस तरह का इसका इंटरफेस है, इसका साइड भी है, आप साइड पे भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको गैलरी या आपको खींच के भी आप डायरेक्टली यहाँ से आप अपनी इमेज को खींच के भी इसमें PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं गैलरी को ओपन फोटो पे क्लिक करूँगा और मैं अपनी एक इमेज है इसको मैं अपने PNG में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। चलिए ये इमेज को मैं क्लिक करता हूँ। इमेज को क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमेज है, तो मैं अपने एक इमेज को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद जिसे मैं PNG कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये मेरे फादर का इमेज है, चलिए मैं फादर वाली इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए कुछ दिन अपलोडिंग होगी और प्रोसेस होने के बाद ये इमेज प्रॉपर तरीके से कटिंग करके ये हमें दे देगा। तो आपने जो इमेज अपलोड किया था, देखिए इस तरह से आपको जो PNG इमेज के लिए आपको जो PNG में कन्वर्ट करके दे देगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर ये जो इमेज है कटिंग हो रही है। तो कहीं भी आप देख सकते हैं कि कोई इसमें ट्रेबल नहीं है, जिससे कि आप इस तरह से साथ आप PC में भी कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करना है। यदि हाई रेजोल्यूशन में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इमेज आपका जो है साइन अप करना होगा आपको। यदि आप साइन अप करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली आप जो है इसके पहले वाले को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये इमेज जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप ये PNG में कन्वर्ट हो गया है, आप इसको कहीं भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पर जैसे आप ओपन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है BG रिमूवर, ठीक है। तो आपको लिखना है BG रिमूव। जैसे आप BG रिमूव करेंगे तो ये एप्लीकेशन अब पहले फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा। तो आप इसको यहाँ पे टच करके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मुझे दोस्तों, ये वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।